जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन कीजिएगा आपका फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो गया। सो हाय गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि अब आप अपने प्रोफाइल पे वीडियो डालकर, रील्स डालकर, फोटोज डालकर आप महीने के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक से आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आज से मैंने 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार फेसबुक रील्स को अब मोनेटाइज कर सकते हो और आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये अपडेट आपको मिल जाएगा। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये वीडियो जरूर से देखा होगा और वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और वो वीडियो देखते के साथ उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल पे रील्स डालना स्टार्ट कर दिया था और वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था और अभी उनके जो है फेसबुक प्रोफाइल के अच्छे खासे रीच आ रहे हैं और उनके 5 से 6 हज़ार फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो गए हैं और कुछ कुछ जो है अभी वीडियो देखने के बाद वो अब जो है वीडियो डालने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहां से मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं। सो गाइज, यहाँ से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है जो कि इस साइड चल रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है। ये देख सकते हैं कि मेरे बादशाह गोल्डन वाला प्रोफाइल है जिसपे 1,82,000 फॉलोअर्स है और इसको मैंने प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर रखा है। अगर आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट नहीं है तो आपका प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आपका प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन ही नहीं आया तो एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। या फिर अगर आपका एक बार प्रोफेशनल मोड आया था, उसको आपने दोबारा से ऑफ कर दिया, फिर ये इनेबल करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो उसको दोबारा से कैसे इनेबल करें, ये वीडियो भी आपका जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आ जाएगा या फिर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा और अपने फेसबुक को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फेसबुक को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन रहेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन रहेगा, डेस्कटॉप साइट, यहाँ से ये आपका ऑफ रहेगा। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कीजिएगा तो यहाँ से गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, facebook.com, फिर आपको स्लैश देना है और लिखना है मोनेटाइजेशन। देखिए आ गया facebook.com/monetization और यहां से आपको क्या करना है कि सिंपली यहां से पहला वेबसाइट खुल जाएगा www.facebookcreatortoolsmeta, ठीक है। तो सिंपली उस पर आपको पहला वाला वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। ये फेसबुक का यानी मेटा का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर सिंपली आपको रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही यहां पे रीडायरेक्ट कीजिएगा, आप में से 90% क्रिएटर ऐसे होते होंगे जिन्होंने कि अपना क्रोम पे फेसबुक को लॉगिन नहीं कर रखा होगा, जो कि लॉगिन कर रखा होगा उनके सामने सिंपली इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का, जैसे ही हल्का सा नीचे स्लाइड कीजिएगा एक छोटा सा लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अपने फेसबुक को लॉगिन करने के बाद फिर से ये जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस को रीडायरेक्ट कीजिएगा। फिर जैसे ही रीडायरेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा चेक इलिजिबिलिटी एंड अप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस लिखा आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही स्टेटस लिखा आ जाएगा तो आपका जो भी प्रोफाइल, जो भी आपने लॉगिन किया है उस पर जितना भी पेज रहेगा या फिर जितना भी प्रोफाइल रहेगा दोनों शो कर देगा। यानी कि हिंदी झरोखा जो कि मेरा एक पेज है, पब्लिक सर्वेंट जो कि मेरा एक पेज है, बट ये जो बादशाह गोल्डन है ये मेरा प्रोफाइल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से देखिए इन स्ट्रीम एड्स फॉर डिमांड, यहाँ से सब्सक्रिप्शन स्टार्स इन इंस्टेंस आर्टिकल पेड इवेंट्स ऑनलाइन इन स्ट्रीम एड्स लाइव, मतलब कि जितने पेज पे मोनेटाइजेशन इलिजिबिलिटी था सभी के सभी प्रोफाइल पे कर दिया गया है। यार तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हो। अब यहाँ से क्या करना है कि अगर आप पहले से रील्स बना रहे थे, अगर आपके पहले से अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो यहाँ से क्या है व्यू क्राइटेरिया, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही व्यू क्राइटेरिया पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखिए लिखा जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया खोज रहा है। तो यहाँ से आपको खोज रहा है ग्रो योर ऑडियंस, मतलब आपका ऑडियंस ग्रो करने के लिए बोल रहा है।
फॉलोवर्स यानी कि 10K फॉलोवर्स जो कि पेज पे खोजता है, सेम क्राइटेरिया होता है जिस प्रकार से फेसबुक पेज पे है, उसी प्रकार से वही क्राइटेरिया आपको फेसबुक प्रोफाइल पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपका क्लासिक पेज हो जाएगा, यानी कि फेसबुक क्लासिक प्रोफाइल पेज हो जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रो योर ऑडियंस, मतलब कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी मेरे अभी फेसबुक प्रोफाइल पे यानी प्रोफेशनल मोड में 182,000 फॉलोअर्स हैं। और जैसे ही प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कीजिएगा, आपके टोटल फ्रेंड आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले 5,000 फ्रेंड्स को जो है फुल कर लीजिएगा, उसके बाद कन्वर्ट कीजिएगा, जिससे आपका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आधा तो ऐसे ही पार हो जाएगा। यहां से क्रिएट इनहैंगिंग कंटेंट, यानी कि मेरा कह रहा है कि 60 दिनों के अंदर मेरा जो है 6,00,000 मिनट का जो डिमांड होता है वो मैंने पूरा नहीं किया, यानी कि मैं थोड़ा सा इधर बिजी चल रहा था, मैं इधर 60 दिनों से रेगुलर अपने प्रोफाइल पे रील्स वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था। और एक्टिव वीडियो जो कि मेरा है, सिर्फ एक क्राइटेरिया मेरे को करना है और मेरा फेसबुक प्रोफाइल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं आपको 5 से 10 दिनों के अंदर मैं अपने प्रोफाइल पे वीडियो डालकर आपको ये लाइव प्रूफ मोनेटाइज करके दिखा दूंगा। अगर सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया देखा जाए तो उसमें भी मेरा जो है रनिंग मतलब रिटर्निंग 250 व्यूज नहीं, वही वीडियो नहीं डाल रहे हैं, इसी कारण से ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यार मैंने उस वक्त भी बताया था, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार कि अपने प्रोफाइल पे वीडियो डालने के लिए स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये नया नया है और ये आपका बहुत जल्दी वायरल करेगा। क्योंकि जो भी फील्ड में न्यू होते हैं उस पर वीडियो वायरल करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम होता है। तो मैं आपको सबसे आगे अपडेट दिया हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक ग्रुप में तो जरूर शेयर कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।